Namaskar, Sasriyakal, Adab, Kemcho. How are you? I hope you all are safe, sound, fit, fine, happy at home. And as all of you know, today is first anniversary with ADF Center Hamirpur, and it was really a good time to share and spend with you. आप सबके साथ बहुत अच्छा समय बीता एंड आई होप एंड आई प्रे कि ये सदा सदा के लिए हमेशा के लिए आशा करता हूँ कि ये यूं ही हमारा जो बॉन्ड है ये हमेशा बना रहे और हम कला के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। इसके साथ ही मैं आज बहुत ही इमोशनल चीज़ अपने साथ मुझे लगा कि ये सही समय है शेयर करने का, तो मैं अपने बारे में और मेरा जो ये एक प्रोफेशन है इसके बारे में मैं आपको शेयर करता हूँ। मोस्टली पीपल डोंट अंडरस्टैंड अबाउट माई प्रोफेशन, लाइक वट काइंड ऑफ प्रोफेशन इज इट, लाइक लोगों ने बहुत सुना है, बट आर्ट प्रोफेशन इज अ बिग डील फॉर हिम, सो पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। सो ऐसा नहीं है कि कला की फील्ड में आपका अच्छा प्रोफेशन नहीं बना सकते, सो मुश्किल तो सब चीज़ें होती हैं, परंतु जिसमें हिम्मत है वो पहाड़ को भी खोद देता है। तो वही बात है कि आप स्टार्टिंग में आई यूज टू फाइट अ लॉट विद माय फैमिली एज वेल, क्योंकि माय मदर इज आल्सो वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर, सो शी यूज टू बी लाइक आप गवर्नमेंट टेस्ट की तैयारी करो, उसके लिए अप्लाई करो, ऐसी चीज़ें करो, टाइपिंग से करो, नॉट स्टफ लाइक दैट। सो इट वॉज रियली नॉट ईजी फॉर मी ऑल्सो। तो यहाँ पे साथ ही में मैंने ये भी बताना चाहूँगा कि फ्यू डेज अगो आई कम्प्लीटेड माई टीन एज, नाउ आई एम 20 एंड द टाइम आई स्टार्टेड इट आई जस्ट कम्प्लीटेड माई 18, आई वॉज लीगली एडल्ट दैट टाइम, आई एंटर्ड 19 एंड आई वॉज इन टीन एज, सो लॉट ऑफ पीपल लाइक अंडरएस्टिमेटेड मी, बहुत अंडरएस्टिमेट किया, बट यू नो व्हेन एक्सपीरियंस स्पीक्स देन एज उसके पीछे छिप जाती है, जब एक्सपीरियंस बोलता है तो उम्र छिप जाती है। तो वही चीज़ है, स्टार्टिंग में मैंने भी मेरी फैमिली को समझाया कि लाइक ठीक है मुझे एक चांस दो एंड आई विल प्रूव माई सेल्फ, और स्टार्टिंग में मैंने उन्हें कहा कि अब बिल्डिंग में ही हमारे घर की मुझे छोटा सा सेक्शन दे दो जहाँ पर मैं सिर्फ बच्चों को डांस सिखाया करूँगा। तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया, मैंने बच्चों को डांस सिखाना शुरू किया, उसके बाद मैंने धीरे धीरे पर्सनल ट्रेनिंग्स, ग्रूमिंग वो सब स्टार्ट किया, लोगों को डाइट प्लान्स, उनको लो छोटा थोड़ा बहुत बेसिक योगा, लाइफस्टाइल चेंजिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें उनको बताना शुरू किया। सो लोगों को अच्छा लगा, उन्होंने आगे सजेस्ट किया कि यू शुड विजिट टू द पर्सनैलिटी एंड वो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं, योगा, मेडिटेशन, स्पा, लॉट ऑफ थिंग्स। सो मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया एंड आफ्टर दैट अभी मैंने टैटू स्टूडियो भी ओपन किया है हमीरपुर में ही। सो लॉट ऑफ थिंग्स, मेरे प्लान्स काफ़ी ज़्यादा हैं अभी फिलहाल भी कि मैं इन आर्ट वर्क में ही, आर्ट फील्ड में ही बहुत सी चीज़ें करूँ। सो एज यू अर्न अ लॉट, यू आर हैप्पी, जो भी मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप सबसे अपील है, जो भी पेरेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी टीचर्स यहाँ देख रहे हैं, मेरी उन सबसे ये अपील है कि अगर किसी बच्चे में ऐसा टैलेंट देखते हैं कि अगर वो आर्ट फील्ड में है, उसमें जाना चाहता है, सो डू सपोर्ट देम, इस चीज़ को नेग्लेक्ट ना करें, इग्नोर ना करें, प्लीज़ बच्चों को उनके टैलेंट में, उनके आर्ट में अपग्रेड करने के लिए आप हेल्प करें, सपोर्ट करें। मुझे भी इतना सपोर्ट नहीं था, बहुत अंडर एस्टिमेट हुआ, एज भी कम थी, एक्सपीरियंस भी कम था, बट धीरे धीरे जब आप चल पड़ते हैं रास्ते पे तो फेस तो करना है सब कुछ, सो यू हैव टू, चूजिंग अ पाथ इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट यू नो उस पर बने रहना बरकरार वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो यही आशा करता हूँ कि आप सभी मेरे एक छोटे से मैसेज को ज़रूर आगे शेयर करेंगे, और जो मेरा एक होप है आप सबसे कि आप हमेशा जुड़े रहेंगे हमारे साथ, और एक कला की, एक कलाकार को सिर्फ इज्जत चाहिए, उसको प्यार चाहिए, धन दौलत एक अलग चीज़ है कलाकार के साथ, वो तो हमेशा जुड़ी रहती है, कहते हैं कि एक कलाकार कभी भूखा नहीं मरता। सो ऐसी ही बात मुझे भी मेरे किसी बहुत ही क्लोज ने कही थी, आई वॉन्ट टू थैंक ऑल्सो जिन्होंने मुझे आज कंग्रेचुलेशन किए हैं आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, फ्रेंड्स फ्रॉम अब्रॉड ऑल्सो, आप सबको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल एवरीबॉडी दैट यू हैव डिड अ लॉट फॉर मी, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर गाइडलाइंस ऑल्सो, योर ब्लेसिंग्स एज वेल। सो आई होप वी विल स्टे लाइक दिस ओनली, हमेशा के लिए हम बरकरार रहेंगे। और साथ ही साथ एक जाने से पहले एक अपील है मेरी छोटी आप सबसे कि आप भी ज़रूर विजिट करें मुझे, यू कैन विजिट मी ऑन गूगल, यू कैन सर्च मी लाइक ADF सेंटर हमीरपुर, अदरवाइज निखिल आज़ाद ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, वेयर एवर यू आर।
सो वी कैन कनेक्ट, वी कैन टॉक. और जिन लोगों को भी गाइडलाइन चाहिए किसी भी रिगार्डिंग, बच्चों को स्पेशली जो अपने शौक यू नो दबा देते हैं कई बार, ठीक है पेरेंट्स बोल रहे हैं तो मान लेते हैं कि कोई बात नहीं, आप सुनिए समझिए. सो इट्स अ टफ टाइम आज की डेट में. यू कैन डू एनी थिंग, यू कैन अचीव एनी थिंग, योर माइंड सेट मस्ट. मेरे एक प्रिंसिपल थे स्कूल के, मुझे आज भी उनकी एक बात याद है. उन्होंने एक बात बोली थी, आई वांट टू थैंक हिम एज वेल, आई विल टैग हिम इन द वीडियो. उन्होंने कहा था कि इन द असेंबली कि जब भी आप कोई विचार सोचते हैं अपने दिमाग में कि आपको ये करना है, आप एक विचार अपने दिमाग में लाते हैं, वो पूरा कब होता है? जब आप उसके बारे में वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा वो प्लान करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके सामने आ जाती है. और वो चीज़ मुझे आज भी याद, उन्होंने बोली थी. सो आई वॉन्ट टू थैंक हिम ऑल्सो, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, माई गाइड, माई मदर इज़ वेल, बहुत ही मिलते हैं जैसे शुक्रिया. उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, एवरीबॉडी जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, दोज यू लाइक मी, दोज यू डोंट, आई लव यू ऑल. एक आर्टिस्ट है वो कल को आकार देता है, अपनी इंप्रेशन इमेजिनेशन उसकी बहुत एक अलग लेवल पे ही होती है. तो जितने भी आर्टिस्ट ये वीडियोज देख रहे हैं, आई होप एंड प्रे आप सब हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, हैप्पी स्टे, हैप्पी स्टे फिट. एंड जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, एंड नीचे घंटी आप प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी आपसे रूबरू हूँ तो आपके फ़ोन में भी घंटी बजे और हम आपस में बात कर पाएँ. इसी के साथ शुक्रिया, स्टे होम, अलविदा.